सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो डीसी कॉमिक्स का ट्राइगॉन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर विलन्स में से एक हमें देखने को मिला है, जो टीन टाइटन्स के मेंबर रेवन का बाप है और एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डीमन निकल के आता है। वही ऑन दी अदर हैंड मार्वल कॉमिक्स का सटर भी थोड़ा सिमिलर ही है, जो बेसिकली कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मार्वल कॉमिक्स से फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स में से एक है और इसके टाइज कनेक्टेड है नॉर्स माइथोलॉजी के साथ, जो कह सकते हो कि इसके कंप्लीट डिस्ट्रक्शन को शो करते हैं। और आज के इस वीडियो में अपन इन्हीं दो कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करने सुपरविलन्स बैटलाइन के आज के इस एपिसोड में अपन मार्वल कॉमिक्स के सर्टर को डीसी कॉमिक्स के ट्राइगॉन के साथ कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि अगर इन दो कैरेक्टर्स में फाइट होती है तो किसकी जीत के चांसेस ज्यादा हैं। सो ये वीडियो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं डीसी कॉमिक्स के ट्राइगॉन के साथ। तो ट्राइगॉन हमें इवेंचुअली एक अननोन प्लैनेट के रूलर के तौर पे देखने को मिला था, जिस प्लैनेट पे तीन हाईली पावरफुल सेलेस्टियल बीइंग्स जिन्हें द डिवाइन बताया गया है वो आते हैं विद द हार्ट ऑफ डार्कनेस टू फीस्ट ऑन ट्राइगॉन्स सोल। बट होता यह है कि ट्राइगॉन उन सभी को ओवरपावर्ड कर लेता है। वो बेसिकली हार्ट ऑफ डार्कनेस की पावर्स को एब्जॉर्ब करके द डिवाइन को ही मार देता है, हु आर लेटर रिवील्ड टू बी हिज पेरेंट्स। और उससे अगर देखा जाए तो हार्ट ऑफ डार्कनेस की पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद ट्राइगॉन को एक्सेस मिल गया था टू द ईविल्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ गैलेक्सीज एंड विद हिज चिल्ड्रन ही केप्ट ऑन कंज्यूमिंग एंड बिकमिंग मोर पावरफुल ऑफ अ डीमन। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो ट्राइगॉन हमें काफ़ी ज़्यादा स्टूपिडली ओवर पावर्ड देखने को मिला है। पावर्स एंड एबिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो ट्राइगॉन पजेस करता है डेमोनिक फिजियोलॉजी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डीमन है। वो डायमेंशन के थ्रू बड़े ही ईजिली ट्रैवल कर सकता है। ट्राइगॉन के पास सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और रिफ्लेक्सेस मौजूद है, जिसकी वजह से ये पावरफुल से पावरफुल और फिजिकली से फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के अगेंस्ट भी जा चुका है। इन सब के अलावा ट्राइगॉन के पास हमें काफी सारी टन्स ऑफ मैजिकल एबिलिटीज भी देखने को मिली है, जैसे कि इल्यूजन कास्टिंग, माइंड कंट्रोल, समनिंग, इमोर्टैलिटी और ना जाने क्या क्या। साथ ही साथ ये टेलीकाइनेसिस भी परफॉर्म कर सकता है और इसकी टेलीपैथिक एबिलिटीज भी काफी ज्यादा जबरदस्त किस्म की निकल के आती हैं। और ऐसी ही काफी सारी एबिलिटीज हमें ट्राइगॉन के पास देखने को मिली है। देखा जाए तो ट्राइगॉन एक मोमेंट पे जस्टिस लीग की इंटायर टीम को मार चुका है, जो इसको कितना ज्यादा पावरफुल होना है वो बताता ही है। साथ ही साथ बेसिकली एक मोमेंट पे तो ही इवन एब्जॉर्ब द सोल ऑफ एन इंटायर यूनिवर्स, जो इसे बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड बना दिया था। और तो ट्राइगॉन ने यह भी कहा है कि वो इजिली एक सिंगल यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है इफ ही वांट्स टू, जिससे हमें यह पता चलता है कि एक यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करना ट्राइगॉन के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। इन सब के अलावा साथ ही साथ ट्राइगॉन की फाइट मिस्टर मिसफ्लिक के साथ भी हो चुकी है, जो एक फिफ्थ डायमेंशनल इम्प है और डीसी मल्टीवर्स का एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर निकल के आता है। इससे हमें यह तो पता चल जाता है कि ट्राइगॉन कोई छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं है। यह डीसी कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर विलन्स में से एक हमें देखने को मिला है, जो यूनिवर्सेस की धज्जियां उड़ा सकता है, डायमेंशन के थ्रू ट्रैवल कर सकता है और इसकी मैजिकल एबिलिटीज इसे काफी सारे पावरफुल सॉर्सरर्स और कह सकते हो कि बाकी कैरेक्टर्स के अगेंस्ट जाने में हेल्प करती ही हैं। तो वैसे अब बात कर लेते हैं मार्वल कॉमिक्स के सर्टर की। तो सर्टर हमें एक फायर जायंट देखने को मिला है, जो बिलोंग करता है एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल प्लेन से कॉल्ड मुस्फलहाइम, जहां अगर देखा जाए तो सर्टर एसगार्डियन रूलर्स का आर्क एनिमी है, सच एज ओडिन एंड थॉर। जिस वजह से अगर देखा जाए तो सर्टर इज डिस्टिंग टू डिस्ट्रॉय एसगार्ड इन द रैग्नारोक साइकिल, जो नॉर्स मिथ्स का हमें एक एंडलेस साइकिल देखने को मिला है, जिसकी वजह से मार्वल कॉमिक्स का जो डिपिक्शन निकल के आता है सर्टर को लेके, वो उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाता तो है ही, साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। जहां अगर पावर्स एंड एबिलिटीज की बात की जाए तो सटर पजेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जहां इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ मार्वल कॉमिक्स के मोस्ट ऑफ द विलन्स के कंपैरिजन में हमें बेटर देखने को मिली है, जिसकी वजह से ये फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, इनवल्नरेबिलिटी, पायरोकाइनेसिस, बेसिकली सटर फायर को कंट्रोल कर सकता है, किसी चीज से नहीं से भी फायर को कह सकते हो कि क्रिएट कर सकता है। इस बेसिस के साथ साथ वो कॉस्मिक एनर्जीज को भी एक हद तक मैनिपुलेट करना पजेस करता है। साथ ही साथ सटर हमें इमॉर्टल देखने को मिला है, जहां मोस्ट ऑफ द टाइम उसे मार पाना इम्पॉसिबल निकल के आता है और कुछ डिग्री पे वो टेलीकाइनेसिस भी परफॉर्म कर सकता है। ऐसी काफ़ी सारी एबिलिटी सटर के पास मौजूद है। ऑल दो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे निकल के आती है उसकी ट्वाइलाइट स्वॉर्ड, जहाँ सटर पोजेस करता है द ट्वाइलाइट स्वॉर्ड, जो कंपोज्ड हुई थी, जो बनी थी एक अननोन मेटल से, विच इज़ केपेबल ऑफ मैनिपुलेटिंग मिस्टिकल एनर्जी जो डायमेंशन के थ्रू कट कर सकते हैं। देखा जाए तो सटर के पास थाउजेंड्स ऑफ सन की पावर्स बताई गई हैं, जिसकी मदद से वो ईजिली एक गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सटर ने ओडिन के साथ अपनी एक फाइट के अंदर नाइन यूनिवर्सेस को शेक करके दिखाया था। ओडिन और उसके भाइयों के साथ जब सटर की सबसे पहली फाइट हुई थी तो वहां पे ओडिन और उसके भाई मिलके भी सटर को नहीं डिफीट कर पा रहे थे, अनलेस एंड अंटिल ओडिन ने जब तक ओडिन फोर्स का यूज नहीं किया। इन सब के अलावा सटर पूरे तरीके से बाउंडेड है फायर ऑफ क्रिएशन से, जो नॉर्स माइथोलॉजी का एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आता है। एंड हमने कॉमिक्स में यह साफ साफ देख रखा है कि द फायर ऑफ क्रिएशन इज वन ऑफ दोज फ्यू थिंग विच इज केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग यिग्द्रासिल, जिसके मदद से हमें यह देखने को मिलता है कि सटर इतना केपेबल है कि वो द वर्ल्ड ट्री को बर्न कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड उस बेसिस से
अगर देखा जाए तो सटर मार्वल कॉमिक्स का एक काफी ज्यादा पावरफुल, एक काफी ज्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर निकल के आता है। सो गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने ट्राइगन और सटर दोनों के बारे में बात कर ली है, दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में जान लिया है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर इन दो कैरेक्टर्स में फाइट होती है तो किसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। तो देखो, ये दोनों कैरेक्टर्स दिखने में सिमिलर क्यों ना हो और इनके कुछ एट्रीब्यूट सिमिलर क्यों ना हो, लेकिन इनकी एबिलिटीज में काफी ज्यादा डिफरेंस निकल के आता है। जहां ट्राइगन हमें एक ऐसा कैरेक्टर देखने को मिला है जो मैजिकल एबिलिटीज पे ज्यादा फोकस्ड है, जो एक काफी ज्यादा पावरफुल डीमन निकल के आता है जो डायमेंशंस के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, यूनिवर्सेस को कॉन्कर करता है। वहीं ऑन दी अदर हैंड सटर हमें एक मिथिकल बीइंग देखने को मिला है जिसकी जो स्टोरी है वो नॉर्स मिथ से ही कनेक्टेड है। वो बेसिकली एक काफी ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग कैरेक्टर है और उसके पास ज्यादा वास्ट अमाउंट ऑफ पावर्स मौजूद नहीं है। जिस वजह से अगर देखा जाए तो ट्राइगन के पास साफ साफ ये एडवांटेज निकल के आता है कि उसके पास ज्यादा हमें बेटर एबिलिटीज देखने को मिली है और ज्यादा नंबर ऑफ एबिलिटीज देखने को मिली है। जहां देखा जाए तो ट्राइगन काफी सारे मैजिकल एबिलिटीज परफॉर्म कर सकता है, वो सोल्स को मैनिपुलेट कर सकता है, वो सोल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो इल्यूजन कास्टिंग परफॉर्म कर सकता है, वो डायमेंशंस के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। वहीं ऑन द अदर हैंड सैटर्न उन सभी चीजों के करने के कैपेबल नहीं है, उसके पास कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करने की पावर मौजूद है। वो फिजिकली कह सकते हो कि ट्राइगन से हमें ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिला है और वो एक हद तक टेलीकिनेसिस भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ट्राइगन बाकी मामलों में उससे बेटर है। जहां अगर देखा जाए तो सैटर्न को ट्वाइलाइट सॉर्ड की मदद लेनी पड़ती है डायमेंशन के थ्रू कट करने में। वहीं ऑन द अदर हैंड ट्राइगन ये चीज सिंपली कह सकते हो कि अपनी पावर्स की मदद से कर सकता है। सैटर्न गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यूनिवर्सेस को शेक कर सकता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ट्राइगन यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है और इंटायर मल्टीवर्स को कॉन्कर कर सकता है। जहां कुछ कैरेक्टर्स तो ट्राइगन को स्पेक्टर के लेवल का बता चुके हैं। जिस भी चीज से अगर देखा जाए तो साफ साफ बात ये निकल के आती है कि ट्राइगन सिंपली हमें काफी ज्यादा पावरफुल देखने को मिला है, लीग्स अबव देखने को मिला है सटर के कंपैरिजन में। अगर इन दो कैरेक्टर्स में फिजिकल एट्रीब्यूट्स को लेकर फाइट होती है तो फिजिकल बैटल में सटर जीत सकता है, क्योंकि सटर मेरे हिसाब से फिजिकली स्ट्रॉन्गर है। बट सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की यहां पे बात निकल के नहीं आती है, बाकी एबिलिटीज को भी अपन देखेंगे, इंटेलिजेंस और काफी सारे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी निकल के आते हैं जिन मामले में ट्राइगन बेटर है। ट्राइगन के पास बेटर फीड से ट्राइगन ज्यादा कह सकते हो कि ज्यादा पावरफुल हमें देखने को मिला है, वो नियरली एक मल्टीवर्सल लेवल बीइंग है। वहीं ऑन द अदर हैंड सटर उतना ज्यादा पावरफुल निकल के नहीं आता है, जिसकी वजह से सुपरविलन्स बैटलैंड के आज के इस एपिसोड का विनर डीसी कॉमिक्स का ट्राइगन है। सो गाइज, ये थी वीडियो ट्राइगन और सटर के कंपैरिजन को लेकर। आई होप्स कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पे कहीं सभी नया आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम और एनिमे चैनल का भी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो मुझे वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।